तो अभी हम लोग है त्रियोगी नारायण में। अच्छा, ये ब्रह्म कुंड है, ये रुद्र कुंड है, दोनों कुंड स्नान के हैं। आपको इनमें केवल छींटा लेना है क्योंकि आप स्नान कर चुके होंगे। तीसरा कुंड विष्णु कुंड है, उसमें आज प्रेम प्रणाम किया जाता है ओम नमो नारायण करके, केशवाय नमो माधवाय नमो गोविंदाय नमो करके। चौथा कुंड है सरस्वती कुंड, उसमें पितृ तर्पण इत्यादि किए जाते हैं। पितृ तर्पण वे लोग करते हैं जिनके माता पिता लोग गुजरे हुए होते हैं। और बाकी तीर्थ का पूजन जो है धर्मशाला शंकर पार्थ विहार स्थान मंडप पे किया जाता है। ठीक, अंदर में भगवान नारायण के दर्शन है, विष्णु भगवान त्रिजुग नारायण जी का ये मंदिर है और भगवान नारायण जी यहाँ पे बावन अवतार पाल रूप में है। बावन अवतार पाल रूप जी हाँ पाल रूप में है। और उन्हीं को साक्षी करके त्रेतायुग में पर्वतराज हिमालय जो माता पार्वती के पिताजी थे उन्होंने अपनी पुत्री का कन्यादान करके भगवान शंकर को इसी स्थान पर दिया है और भगवान विष्णु जी साक्षी बने थे उस विवाह की। जी मुख्य मंदिर जो है भगवान नारायण त्रिजुग नारायण जी बीच में है, विष्णु भगवान जी उनके दाहिने डोले माता लक्ष्मी जी, बाएं भाग में माता सरस्वती जी हैं। पीछे से पंचायत है, पंचायत में बद्री नारायण जी, कुबेर जी, क्षेत्रपाल जी, आदि गुरु शंकराचार्य और रामचंद्र जी हैं पीले वस्त्रों में। नीचे ताम्रशिला है, ताम्रशिला में 108 शालिग्राम शिला, अखंड दीपक के नीचे शंकर पार्वती जी का जोड़ा सहित मूर्ति है और उनके नीचे ताम्रशिला में 108 शालिग्राम शिला। पीछे से पंचायत है, पंचायत में बद्री नारायण जी, कुबेर जी, क्षेत्रपाल जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं और बाहर में जो है धनंजय नाम का अखंड अग्नि है, इसको साक्षी करके भगवान शंकर माता पार्वती ने सात फेरे लिए थे। फिर बाहर में पंचनाम देवता ईशानेश्वर जी, अर्धनारेश्वर जी, बजरंगबली जी और अन्नपूर्णा माता जी हैं। तो ये यहाँ का सूक्ष्म वर्णन है, बोलेगा लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। अपना एक लोटा मेरे को दे दीजिए आप। स्थान जहाँ पर आप आए हैं, ये स्थान का नाम हुआ है त्रियुगी नारायण। त्रियुगी नारायण मतलब तीनों लोगों को जीतने वाले भगवान विष्णु। इसी स्थान पर जो है त्रेता युग में भगवान विष्णु को साक्षी करके भगवान शंकर और माता पार्वती का शादी हुआ है। जो पहले राजा दक्ष के घर में सती हुई थी, जब राजा दक्ष ने कनखल में यज्ञ किया था, हरिद्वार के पास कनखल है, तो यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया था, भगवान शंकर को नहीं बुलाया था। तो शंकर की पत्नी का नाम था सती। माता सती जो है बिना बुलाए अपने पिता के यज्ञ में जाती हैं, उनका उस जगह पर अपमान होता है, तो वे क्रोध में आकर के उस यज्ञ कुंड में अपना देह त्याग देते, वहीं पर भस्म हो जाते हैं हरिद्वार के पास कनखल में। फिर उन्होंने दोबारा जन्म लिया है इस स्थान त्रियुगी नारायण में, पर्वतराज हिमांचल लादा के घर में और माता मैना की गोद में। तो पर्वतराज पुत्री का नाम बड़ा है पार्वती। यहाँ पर जो है माता पार्वती का शादी हुआ है त्रेता युग में। ये मंदिर केदारनाथ से एक युग पुराना है, ये त्रेता युग का है और केदारनाथ द्वापर का है, यानी ये राम युग का है और केदारनाथ कृष्ण युग का है। अच्छा, यहाँ पर राम जी भी आए हुए थे, ऐसा कुछ स्टोरी है क्या? राम सीता जी का विवाह या फिर ऐसा कुछ? ना, रामचंद्र जी शादी में शामिल थे। अच्छा जी, भगवान विष्णु को साक्षी करके भगवान शंकर और माता पार्वती का यहाँ पर शादी हुई है। तीन युग का धनंजय नाम की अग्नि जो है तीन युग से प्रज्वलित है, जिसका भस्मी घर के लिए मुख्य प्रसादी के तौर पर जाता है। बाहर ये पंचनाम देवता हैं, गणेश, यहाँ पर अन्नपूर्णा, ये बगल पर ईशानेश्वर, यहाँ पर अर्धनारेश्वर और वो शंकर भगवान बजरंगबली, ये पंचनाम देवता का मूर्ति बार है। ये यहाँ का तीर्थ दर्शन है, प्रेम से अपने दर्शन पूजन करेंगे और कर भी दिया आपने, बोलो भगवान त्रिभुवन नारायण की जय। वो महालक्ष्य यज्ञ कुंड है वहाँ पर, महालक्ष्य यज्ञ कुंड, उसमें क्या विश्व शांति के लिए किया जाता है। हम लोग 101 ब्राह्मण यज्ञ दिन तक वहाँ पर हवन यज्ञ करते हैं, विश्व शांति के लिए किया जाता है। अच्छा, हम लोग है त्रियोगी नारायण और सोनप्रयाग से 12 किलोमीटर दूरी पे त्रियोगी नारायण गांव में ही त्रियोगी नारायण मंदिर है, जहां पे पुरानिक मान्यता के हिसाब से माना जाता है कि यहां पे शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ था और यहां पे विष्णु भगवान जो भाई का किरदार निभाए हुए थे और ब्रह्मा जी पुरोहित बने हुए थे। और यहाँ पे जो अग्निकुंड जलते आ रहा है, सतयुग से जलते आ रहा है और यहाँ पे जो लकड़ी है वो बारी बारी नंबर लगता है सारे गांव वाले का, जो कि पर डे लकड़ी ला करके रखते हैं। तो ऐसा यहाँ का रूल है। यहाँ पे शिव जी का पार्वती जी ऐसा आदि हुआ था, तो यहाँ पे और भी मतलब जो भी यहाँ पे आज भी आते हैं वो यहाँ पे विवाह करते हैं।